मुझे लगता है कि सरकारों में और राजनीति में रुचि लेने वाला देश का हर तबका स्तब्ध है। दिल्ली में हुए इस अपराध और भ्रष्टाचार के कांड पर जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया है, भारतीय राजनीति के इतिहास में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ सबको ले जाना चाहता हूं कि भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी जो अपने अस्तित्व में आने के सबसे कम समय में लूट और भ्रष्टाचार का कीर्तिमान स्थापित कर दिया हो, तो उसमें एकमात्र राजनीतिक पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी। यह कहते हुए मुझे जरा भी संकोच नहीं है कि आम आदमी के नाम से पार्टी बनाया और आम आदमी के खजाने को ही लूटने का काम किया और लूटते लूटते यहां तक पहुंच गए। ऐसा कभी नहीं हुआ है। आम आदमी के खजाने को लूटने के लिए आम आदमी का ही प्रयोग किया है और हम पहले से कहते आ रहे हैं कि ये जितने भी घोटाले दिल्ली सरकार के हुए हैं, इसमें कोई जेल में हो या जेल में जाने वाला हो या जांच के घेरे में हो, ये सबका अगर कोई सही मायने में किसी के इशारे पे हो रहा है तो अरविंद केजरीवाल के इशारे पे हो रहा है। मुझे लगता है कि जहां तक दिल्ली के राजमहल के भ्रष्टाचार का मामला है, मैं नहीं, दिल्ली के लगभग हर लोग इसमें ये मान रहे हैं कि इसमें टॉयलेट और पर्दे ही करोड़ों के हैं, बाकी तो क्या है पता करने पे, जब सीबीआई इसकी इंक्वायरी करेगी, कर रही है, शुरू किया तो पता चलेगा। इंक्वायरी जो है वो कर दी और विपक्ष हमला बोल रहा है आप लोगों पे लगातार। मैं ये कोई पहली बार तो है नहीं। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं और ये उनकी घबराहट दिखाता है। ये पहली इंक्वायरी तो है नहीं, अभी तक 50 से ज़्यादा इंक्वायरी करा चुके हैं। कभी कहते हैं कि शराब घोटाला हो गया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बस घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने स्कूल घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने सड़कों का घोटाला कर दिया। इन्होंने 33 से ज़्यादा मेरे ऊपर केस करे और इन्होंने सारी छानबीन कर ली, सारी जाँच कर ली। पिछले 8 साल से जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हूँ, जब से तब से ये जाँच ही जाँच किए जा रहे हैं, अभी तक तो कुछ मिला नहीं। तो अब ये नई इंक्वायरी इन्होंने शुरू की है, इस इंक्वायरी का भी स्वागत है। इसमें भी कुछ नहीं मिलने वाला, जैसे पहले कुछ नहीं मिला वैसे कुछ नहीं मिलने वाला। तो एक चौथी पास राजा से आप और उम्मीद भी क्या कर सकते हो? 24 घंटे केवल और केवल इंक्वायरी इंक्वायरी का गेम करते रहते हैं या केवल भाषणबाजी करते रहते हैं और काम तो कुछ करते नहीं है। ये लोग ये चाहते हैं कि मैं इनके सामने झुक जाऊँ, ये लोग चाहते हैं कि ये मेरे को तोड़ दें। वो नहीं होने वाला, केजरीवाल झुकने वाला नहीं है। ये फर्जी इंक्वायरी जितनी मर्जी इंक्वायरी कर ले, जितनी मर्जी केस कर ले, मैं झुकने वाला नहीं हूँ। लेकिन हाँ, आज मैं चौथी पास राजा को एक चैलेंज देना चाहता हूँ। जैसे पिछली इंक्वायरियों में कुछ नहीं निकला, अगर इस इंक्वायरी में भी कुछ नहीं निकलेगा तो क्या आप इस्तीफा दोगे झूठी इंक्वायरियाँ कराने के जुर्म में?